स्टूडेंट्स, आई एम वरुण कुमार शर्मा, गोयल पब्लिक स्कूल लगीना। स्टूडेंट्स, आज मैं आपको कंप्यूटर की शॉर्ट कीज के बारे में आपको बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं कि यह हमारा कीबोर्ड है और कीबोर्ड में सबसे ऊपर ये F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8, F9, F10, F11, F12 ये हमारी क्या कहलाती हैं? फंक्शन कीज। ये हमारी फंक्शन कीज हैं और ये हमारी अल्फाबेट कीज हैं, Q, W, E, R, T, Y, U, I, O, P, ये सब हमारी अल्फाबेट कीज है। अब ये एंटर की होती है हमारी। अगर हम कोई भी वर्क करते हैं और वर्क करने पर उसको ओके करते हैं या उसको उसमें सेव करते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स को, तो तब हम कोई भी वर्क करने पर इसको एंटर करते हैं, या फिर हमें अपने कर्सर को न्यू लाइन पर अगर ले जाना है कुछ भी टाइप करने के लिए, तो हम एंटर की का प्रयोग करेंगे, एंटर की को प्रेस करेंगे। ये स्पेस बार है, इससे जो भी हम टाइप कर रहे हैं उसमें स्पेस देने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ये बैक स्पेस की है, इसके द्वारा जो भी अगर हमने कुछ गलत टाइप कर लिया है और उसको इरेज करना है तो हम बैक स्पेस की का यूज करते हैं। ये शिफ्ट कीज है, ये दोनों तरफ होती है क्योंकि हमको टाइप करना पड़ता है, इस वजह से इसमें कीबोर्ड में ये दोनों तरफ दी हुई होती है। ये एंटर की है, ऐसे ही एंटर की हमारी यहां दी हुई होती है। अब मैं आपको कुछ शॉर्टकट कीज के बारे में बताऊंगा, जैसे कि ये नंबर कीज है हमारी। कुछ भी आपको कैलकुलेशन करनी है तो आप नंबर कीज का यूज करके आप कोई भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। ये एरो की है, इसमें हम अपने कर्सर को इससे ऊपर भी ले जा सकते हैं, नीचे भी कर सकते हैं, लेफ्ट कर सकते हैं और राइट कर सकते हैं। हमें अगर वर्क करते हुए मान लीजिए हमें अपनी फाइल को ओपन करना है एमएस वर्ड में या पेंट में या नोट पैड के अंदर, तो हम क्या करेंगे, कंट्रोल, इसको बोलते हैं CTRL। CTRL का मतलब कंट्रोल। कंट्रोल को हम प्रेस करेंगे, इसको प्रेस रहने देंगे और ए को हम टाइप करेंगे, ओ को हम टाइप करेंगे, प्रेस ओ, तो ये हमारी न्यू फाइल खुल के आ जाएगी। मतलब हम अपनी फाइल को उसमें से हम चूज कर सकते हैं। अब है कंट्रोल का बटन प्रेस करेंगे और बी को हम प्रेस करेंगे तो ये जो भी हमने लिखा है वो बोल्ड हो जाएगा, वो ब्लैक होकर के वो थोड़ा आपको स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। अब है कंट्रोल CTRL और ये एन का बटन, एन बटन पर प्रेस करेंगे तो ये न्यू फाइल खुलकर हमारे सामने आ जाएगी, यानी कि न्यू पेज खुलकर हमारे सामने आ जाएगा। अब है कंट्रोल का बटन हम प्रेस करेंगे और कंट्रोल प्लस यू, कंट्रोल और यू को जब हम प्रेस करेंगे तो जो भी हमने वर्ड लिखा है वो अंडरलाइन हो जाएगा। अब है कंट्रोल प्लस पी, कंट्रोल का बटन प्रेस करेंगे या यहां से इसको प्रेस कर दें और ये पी, जब ये हम इसको प्रेस करेंगे तो जो भी हमने टाइप किया है वो डॉक्यूमेंट आपका प्रिंट हो जाएगा। प्रिंट करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। ऐसे ही कंट्रोल प्लस एस, इससे जो भी आपने टाइप किया है वो सेव हो जाएगा। और अगर हमें अपने जो भी हमने टाइप किया है उसको इटैलिक में लिखना है तो कंट्रोल प्लस आई,
इसको आई कर देंगे तो जो हमने लिखा है वर्ड वो तिरछा होकर के आएगा, और दोबारा से हम इसको कर देंगे तो जैसे पहला था वैसे ही ये हो जाएगा। और यह हमारा प्लस का साइन है, ये माइनस है, और ये एंड की है, ये डिलीट की है। पेज को अगर कर्सर को हमें ऊपर ले जाना है पेज के तो पेज अप, पेज कर्सर को नीचे ले जाना है तो पेज डाउन। होम का बटन टाइप कर प्रेस करेंगे तो ये फर्स्ट लाइन के सबसे शुरू में हमको ये कर्सर दिखाई देगा। ये टैब की है, इसके द्वारा हम एक कॉलम से दूसरे कॉलम में अपने कर्सर को ले जा सकते हैं। कैप लॉक्स के द्वारा हम अगर ये कैप लॉक्स हम इसको टाइप कर दे प्रेस करेंगे तो अगर हम ये कैपिटल लेटर में लिख रहे हैं और इसको हम प्रेस कर देंगे तो क्या होगा कि वो कैपिटल लेटर में ही आएगा। अगर इसको दोबारा से हम प्रेस कर देंगे तो फिर वो हमारा स्मॉल लेटर में बन के आएगा। इसीलिए अगर हमें कोई भी इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं कि हमने शिफ्ट की इसको प्रेस किया और हम कुछ भी हम लिख सकते हैं, तो अगर हमारा स्मॉल में है तो स्मॉल में ही चलता रहेगा, और हम कैपिटल में कोई लेटर टाइप कर रहे हैं, कुछ टाइप कर रहे हैं तो वो हमारा कैपिटल में ही टाइप होता रहेगा। लेकिन इसके लिए हमें शिफ्ट की को दबा के रखना होगा। और ये आपकी नंबर कीज है, जैसे हमारे नंबर ये हैं ऐसे ही हमारे नंबर यहां पर भी हैं। तो ये मैंने आपको ये बटन है कीबोर्ड को ऑन ऑफ करने का है। ये मैंने आपको कुछ शॉर्टकट कीज के बारे में बताया, इसकी आप घर पर प्रैक्टिस करें, अपनी तैयारी अच्छी तरह से करते रहें, लर्न करते रहें और सेफ रहें। थैंक यू।